इसीलिए किसी ने कहा भैया प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजर ही गया। वाह वाह मेहता साहेब क्या बोले, एकदम दिलचस्प ट्रिक है। अरे वाह मैं तो मस्त आर्टिकल लिखा है। क्यों चाचा जी? अरे बापू जी मैं तो कहता हूँ मेहता साहेब जावेद हबीब के स्तर के लेखक है, एकदम धुआंदार लिखते हैं। जय जमीन, जय जमीन। अरे जेठालाल जायद हबीब? अरे मेहता साहब आप एक लेखक हो के जायद हबीब को नहीं जानते? अरे जेठालाल जायद हबीब तो बाल काटता है ना भाई। अच्छा ले ये नया चालू किया होगा भाई, सलमान खान और फरहान अख्तर के बापूजी बाल भी काटने लगे। अरे जेठालाल वो जावेद सलीम है, मतलब सलीम जावेद, जायद हबीब तो हेयर स्टाइलिस्ट है ना भाई। अच्छा बराबर बराबर मेहता साहब, वो दोनों में जाय जायद है तो मैं कंफ्यूज हो गया। सॉरी सॉरी मिटुस, इसको खाने के बारे में पूछ, खाने के बारे में कंफ्यूज नहीं होगा। बाबू जाक। अरे बाबू जी ऐसा नहीं है। चलो भाई अरे टप्पू के पापा तैयार नहीं हुए, जल्दी चलो, चलो पांडे भाई के पास भी जाना है बाद में, जल्दी चलो। हाँ इंस्पेक्टर चालू पांडे की क्यों जरूरत पड़ी इतनी सुबह सुबह भाई? वो मेहता साहब वो अगले साल दया के साथ यही नहीं यूरोप घूमने का प्लान है, तो वीजा के लिए पुलिस आई डेंटिफिकेशन चाहिए, तो बस इसीलिए चालू जी और पांडे जी के पास जा रहे हैं। वाह बहुत बढ़िया, तो फिर उसी बात पे भाई घुमाओ यूरोप। क्यों मैं क्या बोलता हूँ, मैं अभी निकलता हूँ, रात को अब्दुल की सोडा शॉप पे बात कर रहे हैं। ठीक है जेठालाल चल भाई। ओके मेहता साहब मिलते हैं रात को। चल भाई चल दया फटाफट, मैं तो तैयार ही हूँ, चाय भाई भी हो ही गई, तू भी तैयार हो जा फटाफट। बाबू जी शाम को मिलते हैं। जय जयेंद्र। हाँ जय जयेंद्र। अरे क्या बात है, क्या बढ़िया पिक्चर है, मजा आ गया। तुम भी डाउनलोड करो पाटिल, अच्छी पिक्चर है। वैसे कैसा लग रहा हूँ मैं? वो आज मैं और बाबू जी। गुड मॉर्निंग चालू जी पांडे जी। अरे जेठालाल आओ, अभी का इंतजार कर रहे थे। क्यों पाटिल? अच्छा ले आपको कैसे पता चला? आइए आ गए भाई जेठालाल, वो आज हफ्ते लेके मैं और बासुंदी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले थे, ऐसा बहुत बड़ा कुछ नहीं था, लेकिन आप ना हो और प्लान कैंसिल ना करो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। क्यों? अरे चालू जी अब पांडे जी 5 मिनट का काम है, आप वो तो 2 मिनट में खत्म कर दोगे बस। कोरो जेठालाल क्या काम पड़ गया ऐसा तो। वो चालू जी अब पांडे जी वो मैं और दया अगले साल यूरोप घूमने जाने वाले हैं, तो वीजा के लिए पुलिस आइडेंटिफिकेशन चाहिए, तो सोचा कि आपके पास आते हैं, आप वो तो 1 मिनट में मार्डन कर दोगे है ना। हाँ चालू पांडे भाई। जेठालाल दया भाभी हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, हम हर काम करते हैं ईमानदारी से हौले हौले। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे, चेंज कर दिया। अरे जेठालाल का बात है, क्यों बन रहे हो ओवरस्मार्ट? दया भाभी इसे छोड़ रहा हूँ वरना ओवरस्मार्ट बनोगे तो। सॉरी सॉरी चालू जी पांडे जी मालूम है। लाओ दो। वो क्या होता है? अरे अरे पासपोर्ट। हाँ पासपोर्ट लाए हो? हाँ। वॉइस ऑफ कर रहा था, वो बासुंदी के लिए सॉन्ग प्रिपेयर किया है इसलिए। तो दया भाभी जेठालाल
एक सच्चा और ईमानदार इंस्पेक्टर होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपसे थोड़े सवाल करूं। देखा गया, मैंने बोला करता था कि एकदम सच्चे और अच्छे इंस्पेक्टर है इंस्पेक्टर चालू जी पांडे जी। तो बताओ आपका पूरा नाम क्या है? दया टप्पू के पापा गढ़ा। क्या? लेकिन यहाँ पे तो अलग है, आपके हस्बैंड का क्या नाम है? टप्पू के पापा। तो ये जेठालाल कौन है? मेरे पति। आपके दो दो पति? हेमा माता जी नहीं चालू पांडे भाई, मेरे एक ही पति है और वो ये है टप्पू के पापा। हाँ चालू जी पांडे जी। अरे तो तुम कौन हो भैया? मैं जेठालाल हूं। तो टप्पू के पापा कौन है? मैं जेठालाल। मुझे उल्लू समझाए, अभी तुम बोल रहे तुम जेठालाल हो, अभी तुम बोल रहे तुम टप्पू के पापा हो, हो कौन भाई तुम? टप्पू के पापा। अच्छा तो तुम्हारा नाम टप्पू के पापा है? नहीं नहीं, इनका नाम टप्पू के पापा नहीं है। हाँ अच्छा, मतलब जेठालाल तुम टप्पू के पापा नहीं है पाटिल? पापा नहीं हूं। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? कौन है टप्पू का पापा? कौन है टप्पू का पापा? तो फिर हेमा माता जी नहीं, मैं मेरे माँ की कसम खा के कहती हूँ आप भी टप्पू के पापा हो, टप्पू के पापा आप ही हो और कोई नहीं, टप्पू के पापा। चुप हो जाओ। जेठालाल टप्पू के बाबा क्या लगा रखा है? तुम पासपोर्ट दो अपना। ये लो चालू जी पांडे जी। जेठालाल टप्पू का जेठालाल टप्पू का जल्दी लेके दे। जेठालाल गड़ा मतलब कि तुम टप्पू के पापा नहीं। थैंक यू भगवान, अभी मुझको जब्त कर ले। दया चालू जी पांडे जी, आपको थोड़ी गलत फैमिली हो गई है, कंफ्यूजन हो गया है। देखो मैं ही टप्पू के पापा हूं और मैं ही जेठालाल हूं। जेठालाल मैं ही हूं, मार किधर है? देखो चुप जेठालाल चुप। पीछे चल रही है, पीछे चल रही है। हाँ मतलब यहां पे चल रही है। पाटिल भाई मुझे याद करवाना था ना, पॉज करवा दे, अभी पहले से चालू करनी पड़ी यार। क्या मानते? सॉरी कहाँ था मैं? चुप, उल्लू समझाए मुझे, उल्लू समझाए मुझे। आइडेंटिफिकेशन फ्रॉड करते हो, मुझे तुम पे चालू से शक था। जेठालाल भैरुकिए, जेठालाल उर्फ टप्पू के पापा उर्फ नामक हलाल। नामक हलाल? नहीं चालू जी पांडे जी प्लीज रुको, दया अभी मेरा असली नाम बताएगी। दया बोल। ए, मेरा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो? नहीं नहीं दया भाई बोल ना भाई, कुछ गलत फैमिली दूर करना प्लीज, असली नाम बोल ना। हाथ जोड़ता हूँ तेरे। नहीं टप्पू के पापा, मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? क्या जवाब दूंगी मैं माँ को? तुम तो गए जेठालाल बहरू पिए। पाटिल कौन सी जेल खाली है? चाबी घर पे भूला, वो भी मैं ही याद रखू। पाटिल इसको हथकड़ी बांध के बैठा दो। जेठालाल टेंशन लाल टप्पू के पापा मेरे परम मित्र, खराब किस्मत जेठालाल टेंशन ना टप्पू के पापा खराब किस्मत।
भैया मैं पागल हो रहा हूं, आखिर क्या है असली नाम जेठालाल का? लेकिन टेंशन ना लीजिए, आप पागल नहीं हो रहे क्योंकि आप देख रहे हो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ दोस्तों, 21 दिसंबर को खान साहब लेके आ रहे हैं अपनी तीसरी सुपरहिट मूवी इस साल की, तो वो देखना ना भूलिएगा। लेकिन साथ साथ देखते रहे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहे, हंसते रहिए और सोचते रहिए कि जेठालाल का क्या नाम है।